हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज मैं हूँ मंडी में, गुरुद्वारा मेरे पीछे आप देख पा रहे हो। तो आज का जो हमारा रूट है मंडी से लेके बिजली महादेव, जो कुल्लू के आसपास की जगह है, कुल्लू महादेव टेंपल, हम वो आपको दिखाएंगे। वो ट्रैक भी है किलोमीटर का, तो यहाँ से लगभग मंडी से 70-75 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो और सुबह के अभी 8 बज चुके हैं, धूप निकल चुके हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट कुल्लू जाएँ, डायरेक्ट आपको बिजली महादेव टेम्पल दिखाएँ। और ये आप देख पा रहे हो सारा जो मंडी शहर है, बस इतना ही है इस ब्लॉग में। और कल रात को हम गुरुद्वारा में आए थे, हमने टेंट वगैरह यहाँ पे लगाया था। अगर अगर आप भी आ रहे हो मंडी या फिर आगे मनाली के लिए, तो यहाँ आपको चंडीगढ़ से मंडी के लिए इजीली बस मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट मनाली जा रहे हो तो डायरेक्ट बस भी आपको चंडीगढ़ से मनाली के लिए मिल जाती है। तो हम रुके हैं क्योंकि हम अपने व्हीकल से आए हैं, क्योंकि हम सुबह दिल्ली से चले थे, तो हमारा 12-13 घंटे का सफ़र हो गया, तो हमें रुकना पड़ा। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो या डायरेक्ट जा सकते हो। तो अभी ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट करते हुए चलते हैं, सीधा अपना सफ़र शुरू करते हैं और बिजली महादेव टेंपल के आपको दर्शन करवाते हैं। सो गाइज, ये है पंडोह डैम। तो ये कुछ इधर पानी रुक गया और वहाँ पे वही है बिजली वगैरह बनाते ना, उधर डैम है। जाम लग चुका है, तो इस तरफ मंडी था। और मंडी से देखो, ये सीधा जाओगे तो मनाली, और इस तरफ जाओगे तो ये बुंदर शहर, ठीक है। ये गोल चक्कर है, इस गोल चक्कर से राइट जाना आपको, ये मणिकर्ण वाला रास्ता है। तो इस रास्ते में हमें जाना है बिजली महादेव के लिए। और आगे अगर आपको मणिकर्ण जाना है, कसोल जाना है, तो सब इसी रास्ते पे आएगा, सीधा मनाली। बुंदर क्रॉस करते ही 2-4 किलोमीटर आगे हमने अपनी बाइक उतारी है, और खाना वाना यहाँ करेंगे लंच, और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइस, जो उस तरफ था बुंदर, हम बुंदर की तरफ से आए थे, और ये मेन रोड है मणिकर्ण वाला, ठीक है। और इसी रोड से ये जो पुल क्रॉस होगा, ये आप देख लो, ग्राम भैण है, ये भैण गाँव है। इसके ऊपर ही जाके, ऊपर टॉप पे महादेव जी का मंदिर है, आपको लेके चल रहे हैं। आपको सीधा नहीं जाना, बस ये पॉइंट याद रखना है, पॉइंट से आपको इस तरफ जाना है। गाइज, आप देख सकते हो कितनी शांति है, बस मैं और सुमित भाई हम ही जा रहे हैं इस ट्रैक पे। कोई इक्के तो के लोग ही जाते हैं, कोई नहीं है बाकी। तो बस जैसे एक टूरिस्ट गाड़ी आई, कोई 10-15 मिनट में कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बस लोकल हम ही चल रहे हैं। देखते हैं ऊपर जाके क्या नज़ारा है, भीड़ है नहीं है। तो गाइज, कुछ दूर तक सड़क बनी थी, अब रास्ता बिल्कुल कच्चा आ गया। देखो ये ऐसे टूटा हुआ है, और आप ये देख पा रहे हो नीचे ट्रैफिक, उस तरफ जो बुंदर की तरफ से रोड आ रहा था, और ये रोड जो जाएगा उस तरफ, वहाँ पर मणिकर्ण गुरुद्वारा है, उस तरफ की लोकेशन बहुत। और आप सामने देख सकते हो बर्फ दिख चुकी है भाई। इस रास्ते में ऐसा नहीं कि कोई घर नहीं आता या कुछ रहने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखो किराना शॉप भी है, खाने का उन्होंने बना रखा है, घर भी है यहाँ पे। ये गांव आ गया, सर नाम तो मुझे पता नहीं कौन सा है, पर बीच में 4-5 गांव आ जाते हैं छोटे छोटे। देखो ये 30-30 घर वाले गाँव ना, ये 4-5, 3 तो आ चुके हैं, ये 4th है। देख पा रहे हो आप, बिल्कुल लाल हो रखे है। देख, आड़ू के पेड़ है ये जो दिख रहे ना, उन्हें तो आपको फल भी दिख रहे होंगे, इस तरफ दिखा देता हूँ। आड़ू के फल लगे हैं, सॉरी। हाँ देख लो भाई, इतनी भीड़ है यहाँ पे, भीड़ तो क्या है, इतना दिक्कत है यहाँ पे। गाड़ियाँ कैसे जा रही, यहाँ के लोकल लोग हैं, यही टूरिस्ट को लेकर जा रहे हैं, पर्सनल गाड़ी नहीं जा सकती ऊपर। तो गाइज, ऊपर आते आते ये जो नीचे गांव है ना, और हम तो इससे बहुत नीचे से आए हैं, लगभग 12 किलोमीटर नीचे ये गांव है। यहाँ पे पार्किंग वार्किंग है, तो आपको गाड़ियाँ, अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो गाड़ी आपको यहीं खड़ी करनी है, इससे आगे गाड़ी का कोई रास्ता नहीं है। या आपको ट्रैक करके आना है, या फिर जो ये लोकल लोग हैं इनकी गाड़ियों से ऐसे रास्ते से आते हैं।
हमने मतलब बाइक में भी आना बहुत मुश्किल है, देखो इतना रास्ता है, बाइक मैंने यहीं खड़ी कर दी है, ऊपर नहीं लेके जा रहा, यहाँ से बिजली महादेव का रास्ता बता रहा है, यहाँ से जाऊँगा, कोशिश करता हूँ बाइक ले जाई गई तो, नहीं तो हम दो बाइक हम यहीं खड़ी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी तो आपको उससे आगे नहीं जाने देंगे, अब अगर आप आ भी गए तो मुश्किल बहुत है यहाँ पे, तो प्लीज़ गाड़ी उसी पार्किंग में खड़ी करके आएँ, ये जो गांव है। देखो गाइस, सुमित का बुलेट फंस चुका है और पीछे जो लोकल्स हैं उनकी गाड़ी है, बस वो सवारियों को लेके आते हैं, इनकी गाड़ी चलती है, एक एक या दो ही चलती है, एक आना एक अप एंड डाउन। देखो अब उतार के ही चलना पड़ रहा है पैदल। गाइस 2 बजने के हो चुके हैं और हमारी बाइक फंस गई थी यहाँ पे, बहुत बुरा हाल था, तो देखो ऐसा बज्जर से, तो सुमित वाली बाइक तो रह ली हमने नीचे खड़ी कर दी, और मेरी वाली देखो यहाँ पे साइड में खड़ी कर दी है, और अब इस रास्ते से ऊपर जाएंगे, और शायद एक किलोमीटर का या 1.5 किलोमीटर ट्रैक रह गया, और हमने एक्स्ट्रा सामान था जो सुमित की बाइक पे वो इस घर में रख के आए हैं, हैवी बैग थे, और मेरे वाला इस पर लगा पड़ा है, कोई इशू नहीं है, तो बस वहाँ से 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम 2 किलोमीटर हो जाएगा शायद, बाकी जाने पे बता पाऊँगा मैं, श्योर नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो ये जंगल टाइप का रास्ता है, इससे जाते हैं, ये रास्ता भी है, ये लंबा पड़ेगा, पर हम इधर से निकल जाते हैं, इधर गाँव वालों ने बताया कि आप इधर से निकल जाओ, शॉर्ट है, तो ऐसा कुछ नज़ारा है, बुरा हाल है। अगर आप आओ तो गाड़ी लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाइक भी लेके आओ तो थोड़ा नीचे तक पार्क करो, जहाँ तक बज्जर शुरू हो जाए हैवी वाले, मतलब उस गांव तक शुरू कर दो, या इस गांव तक आप ला सकते हो, गाड़ी भी आपकी आ जाएगी, ये ब्रहण है शायद, ब्रहण गाँव है, यहाँ तक आ जाएगी आपकी गाड़ी, और बाइक भी आ जाएगी आसानी से, इसके बाद बाइक लानी बड़ी मुश्किल है, 2 बंदे तो बिल्कुल चल नहीं सकते, एक बंदा भी रुक रुक के चलना पड़ेगा, बाइक ख़राब हो जाएगी, जैसे सुमित की हो गई है। अब देखते हैं सुमित की बाइक का क्या करना है नीचे जब वापस जाएंगे, क्योंकि ढलाई है नीचे की तरफ है, तो बाइक चली तो जाएगी, ठीक है, वो तो फिर आगे टोचन करके लेके जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इस जंगल के रास्ते पर ऐसी छोटी छोटी नई नई ये सीढ़ियाँ बनी है, बन रही है, देखते हैं कितनी दूर तक बनी हुई है, अगर ऐसी सीढ़ियाँ होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं चढ़ाएगी, नहीं स्टार्टिंग में तो बिल्कुल खड़े बज्जर पड़े थे, कुछ नहीं कर रखा था। कैसा? परेशान भाई, परेशान। सुमित परेशान हो गया बाइक की वजह से, भाई कुछ शौक तो दिखे और बाइक भी देर की दिखे, यहाँ पे हाथ तो रखे बुलेट, अच्छा ये गाड़ी में रास्ता आ गया, ठीक है हम पैदल आए हैं, और थोड़ा सा और ऊपर भी उधर से शायद हो जा रहे लोग, तो इस शो पाने के बाद हमें बढ़ना है इस तरफ, ऊपर से रास्ता गए वहाँ से लोग, कुछ हो लोग आ रहे हैं ऊपर जाकर, ऐसे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, मंदिर मार्ग अब यहाँ मंदिर मार्ग, तो इससे ऊपर जाएंगे, ये 1/2 किलोमीटर का स्नैच होगा, ये तो कवर कर लिया और इतना ही ऊपर रह गया है, इधर से कोई रास्ता है अंदर से ऊपर जाके 1/2 किलोमीटर रह गया, सारा हो जाएगा कवर जल्दी जल्दी, और जो आप ये पेड़ देख रहे हो देखो, वाव चीड़ के पेड़ हैं, और जिनके फल भी आपने देखे हुए हैं, ये क्या बोलते हैं, फल तो नहीं बोलते, जो भी होते हैं इनके फूल होते हैं, जो भी सूखे हुए हैं शायद, ये लोग घरों में रखते हैं, अच्छे मानते हैं उनको, वही है ये लड़का बड़ा लेट करता है, हर बार किसी न किसी से बात करने लग जाता है, वो गए उनसे बात करता था, ले लेट क्यों कर रहा तू, अरे बाइक का पूछ रहा था कि कुछ है, हाँ अब शाम को पहुंचेगा, कैसे नीचे भी जाना है, बाइक भी ठीक करवानी, तू जल्दी आना भाई, ये कह रहे कि यहीं पे है, हाँ यहीं है 500 मीटर ऊपर है, अंकल का तो पता नहीं, इतना भी आराम से नहीं आना भाई, सांस लूं, अरे महादेव महादेव इतने ऊपर बसे हैं, महादेव सब आपके ऊपर है, आपने मेरी बाइक ठीक करानी है बहुत बहुत दिल उदास हो रहा है मेरा, मेरी बाइक यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, चलो अब यहाँ से इसी ट्रैक से, भाई ट्रैक पे कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं, कोई गिने चुने 20-30 लोग ही मिले हैं, भीड़ तो है ही नहीं यहाँ पे,
अगर जिसको सुकून पसंद है तो यहाँ आ सकते हैं। और ये देखो भाई साहब चढ़ा ही जा रहा, मैगी खाता सारे दिन। अच्छा यस भाई, कह रहा मैगी खाते सारे दिन। नीचे से ऊपर जाते टाइम, अभी देखो यहाँ से लगभग 700-800 मीटर रह गया होगा मंदिर, तो बीच में ये संकरा हिल्स कैफे आएगा। संकरा हिल्स कैफे इंस्टाग्राम पे भी इनकी आईडी है, ये बता रहे। तो यहाँ पे टेंट वगैरह है और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना खुद का टेंट भी लगा सकते हैं, और टेंट का चार्ज है पर सीट 700 रुपये, उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो आप आइए 700 रुपये के हिसाब से रहिए और डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, और मज़े लीजिए, ऊपर दर्शन करके आइए, या जाते टाइम रुकिए अगर लेट होते हो रहे हो तो, नहीं तो आते टाइम आप यहाँ से रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास अपना टेंट है तो जगह पूरी है, कहीं भी टेंट लगा सकते हो, खुली परमिशन है। और अगर अच्छा, यहाँ पे सारा स्टाफ यहीं पे रहता है, आंटी बहुत मतलब पोलाइटली बोल रही है, बात कर रही है और बोल रही है कि सारी सुविधा मिलेगी। अगर आपके पास टेंट है, बिस्तर नहीं है, तो ये 200 रुपये के हिसाब से गद्दा और कंबल भी देंगे, सारी सुविधाएं हैं। लाइट का भी इंतज़ाम है इनके पास, सब कुछ है। तो आप आइए, तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप ट्रैक पे आ रहे हो तो आपके लिए सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर रहने की और खाने की, खाने का भी इंतज़ाम है यहाँ पर। यात्री कह रहे थोड़ी दूर हो रहा है, जितनी चढ़ाई चढ़ी है 1 किलोमीटर और है, लेकिन भाई ये तो बहुत दूर है, अभी भी 1.5 किलोमीटर तो मुझे प्लेन एरिया आ चुका थोड़ा सा, उसके बाद फिर चढ़ाई है, 1.5 किलोमीटर और आगे लग रहा है, तो कम नहीं है। रास्ते नहीं मिल रहे ऐसे ऐसे, ये रास्ते हैं इनसे चलना पड़ रहा है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं श्री महादेव मंदिर, आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं। और देख लो आप लोगों की भीड़ इतने कुछ लोग हैं, मतलब 50-60-70 इतने लोग आ रखे हैं, वो भी ऊपर मंदिर के पास ही मिले, नीचे तो ट्रैक में कुछ थे 10-12 ही रहे थे। इस तरफ मंदिर, और आपको थोड़ा साइड व्यूज दिखा रहा हूँ। देखो ये बुंतर है, बुंतर सिटी है, और देखो ये बुंतर का एयरपोर्ट है जो आप सामने देख पा रहे हो। और हम ऐसे आए थे बुंतर से, हम उस तरफ जाके फिर हम ऊपर आए, और देख लो आप कितना अंदाज़ा लगा दो कि हमने कितनी चढ़ाई की होगी। उधर से जाके हम बुंतर से लगभग 10-10 किलोमीटर आगे चले गए थे, वहाँ से चढ़ कर इस ट्रैक पर, और बुंतर के बराबर में आ गए, और इस तरफ बिल्कुल इस तरफ से हमें कुल्लू है, और फिर इस तरफ मनाली, ऐसा कुछ नज़ारा बिल्कुल बुंतर सामने दिख गया। सो गाइज फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं बाबा के, और आप देख पा रहे हो इस तरफ ये मंदिर है, और अब मंदिर के चारों तरफ नज़ारा ये है। अब ये है देवदार का पेड़, तो पंडित जी ने जो हमसे हमने बात की पंडित जी से, तो बता कि देवदार के पेड़ के ऊपर जब बिजली गिरती है तो इस पेड़ के ऊपर ही गिरती है, ये ऐसे पूरा पेड़ है, ये ऐसे आपको सूखा सूखा लग रहा है देवदार वाला। और उसके बाद फिर शिवलिंग पे अंदर, जो मंदिर के अंदर शिवलिंग है उस पर बिजली गिरती है, वो छोटे से आकार का पत्थर का, लेकिन जो आप पीला पीला देख रहे हो वो जो गाय का घी है, उसे लेप लगा के पूरी चादर चढ़ा के एक मोटा शिवलिंग का उसका लेप दे रखा है।
और बाकी मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा, धूप अच्छी निकली है, हवा तेज चल रही है, बाकी मौसम अच्छा है, ऐसा ही कुछ नज़ारा है बिजली महादेव का। और लोग आप देख सकते हो कि भाई पूजा पाठ करने आ रहे हैं, और लगभग मतलब 100 के आसपास की संख्या में यहाँ लोग आ रखे हैं, ज़्यादा भीड़ है नहीं अभी। और बस इतना ही था, ये व्लॉग आपको कैसा लगा जो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, सुमित की बाइक भी ठीक करवानी है, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, 5-1 घंटे में हम शायद नीचे पहुँचे हैं, और फिर बाइक उठा के और नीचे जाना, बुनतर से शायद बाइक का ठीक हो जाए, होप सो, उम्मीद करते हैं कि बाइक ऐसी ठीक हो, नहीं हुई तो फिर नीचे जाते हैं। तो गाइज इतना ही है, ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए या फिर ट्रैक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। हर हर महादेव। और ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सुगंधिम पुष्प है जो पंडित जी ने दिया प्रसाद के लिए कि आप घर में आप पूजा पाठ करते हो, मार सकते हैं। हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।